देखो आजकल के जो इंजीनियर लोग हैं वो तो मुझे लगता है कि एक शायर और बड़े बड़े कवि को टक्कर दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं रहा, इतना दिल गहरा दुखाने वाला जो शायरी, तेरी जुल्फों ने मुझे मार डाला, मैं कातिल हो गया, मैं दीवाना हो गया, सबनम बताए क्या क्या, इतना हाई लेवल का जो उर्दू वाला वर्ड, क्या क्या वर्ड है, मुझे समझ में नहीं आता है ये बात कि वो किस लिए वो शायर बन गया है, या बेरोजगारी है तब शायर बन गया है, या लड़की उनके छोड़ के चल गई है तब शायर बन गया है, या सिंगल है तब शायर बन गए, या ब्रेकअप हो गया तब शायर बन गए। ये इंजीनियर वाले लोग ना बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस इतना बड़ा बड़ा शायरी बोलते हैं कि अब ओरिजिनल लेखक और कवि वाले उनको अब रोना पड़ रहा है कि सस्ता सस्ता में इंजीनियर लोग अब पैसा कमा के लेके जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसे तो इंजीनियर को तो कुछ जॉब तो मिलता नहीं है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो रहते रहते हैं, जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला है। अब कवि का जॉब ले रहे हैं वो लोग, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम कर रहे इंजीनियर। एक इंजीनियर का डिग्री करते हैं, बाद में एक्टिंग, सिंगिंग, MBA। अरे भाई दो दो तीन तीन डिग्री तुम लोग क्यों बर्बाद करता है, एक तो डिग्री में कायम रहो ना यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बच्चा का वो एक डिग्री भी लेता है तो बच्चा का वो क्या बोलते हैं, सीट भी गार्ड करता है, ऊपर से दूसरे फील्ड में जाता है, दूसरा आदमी का भी कॉम्पिटिशन को मारता है। एक जगह में रहो भाई, जो करना है एक बार फोकस रहो कि क्या करना है। अच्छा दो तीन चीज करके उसका फिर डिसाइड करते हो क्या करना है। अभी बेचारा कवि और बड़े बड़े शायरकार रो रहे हैं तुम लोग के चलते, सबनम बताएं।